छपरा शहर में बरेली के आभूषण व्यवसायी अभिलाष वर्मा से 55-60 लाख रुपए और आभूषण लूटपाट के मामले में सारण पुलिस एक्टिव हो गई है, जहां शहर के आभूषण व्यवसायियों के द्वारा एसपी कार्यालय पर आवेदन दिया गया। वहीं इस मामले में सदर डीएसपी मुनेश्वर प्रसाद के द्वारा घटनास्थल की जांच की गई, जिसके बाद राज्य आभूषण व्यवसायी से लूट की है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आप लोगों की प्रशासन से मांग है? नमस्कार, ऑल इंडिया ज्वेलर्स बुलियन एसोसिएशन की तरफ से वरुण प्रकाश हैं। और व्यापारियों में एक गुस्सा का माहौल है, और आप जहां तक आप देख सकते हैं जितने व्यापारी हैं उन लोगों का कहना है कि पुलिस जो है हर स्तर से नाकाम हो चुकी है और नहीं देख रही है। हम लोग सिर्फ यही मांग करेंगे कि जहां खाली एरिया पड़ता है, पार्क है या फिर उसके आगे आप देखेंगे तो जेल का एरिया पड़ता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पुलिस प्रशासन को है मजबूत करने की ज़रूरत है और कड़े स्तर पर जाँच कराने की ज़रूरत है कि आखिर ये रुपया है कौन और रक्षक के भक्षक कौन है कि ऐसा घटनाएं घट जा रही हैं जिसे व्यापारी भी देख के पुलिस समझ के और भटक जा रहे हैं और उनके साथ जाने के बेवस हो जा रहे हैं। और इसी चीज़ पर एक हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए व्यापार सर को एक आवेदन दिया है, जिस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए और जल्द से जल्द माल रिकवरी करने के लिए आवेदन दिया है। छपरा के आभूषण व्यवसायियों की मांग एवं आक्रोश को देखते हुए सारण पुलिस टीम उक्त व्यवसायी को लेकर आरा और अन्य जिलों में छापेमारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए एक टीम उक्त व्यवसायी को लेकर आरा और भोजपुर के लिए निकल चुकी है।